असलक्रम वरह लि वरकू आपका हमारे एक और व्लॉग में खैर मकदम है आज हमने रायबरेली का विज़िट किया है यहाँ पर एक मदरसा है आप ऑलरेडी एक मदरसा पहले देख चुके थे और हमने आपसे वादा किया था कि इन हम यहाँ का भी दिखाएंगे ये मैदान पूरे जहाँ पर हम खड़े हुए हैं और जो मदरसा हमारे पीछे देख रहे हैं इसका नाम है जयालूमूमूम यहाँ के बारे में इनशाला पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे छुट्टी भी हो चुकी है तो कुछ तलबा जो है उनसे थोड़ी बहुत बात करते हैं यहाँ के बारे में इनशाला आपको बताते हैं मोहन आप बताइए इस मदरसे के बारे में क्या खासियत है और कब तमीर हुई थोड़ा बताइए इस मदरसे के बारे में हम लोगों को ये मदरसा उन्नीस की तमाम करता है अच्छा और यहाँ पर की तालीम होती है प्राइमरी की तालीम होती है यूज़ नागर की तालीम होती है और आलमी दर्जे की तालीम होती है और आलिया दर्जात की यानी सात सालिया सालसा की तालीम होती है ये मदरसा नद्वल नद्दा लखनऊ से मुलक़ है उसकी शाख है और इसकी एक मुमताज़ शाखों में इसका शुमार होता है माशा और इस मदरसे से फारी इस मदरसे के फ़ारी नद्वल एक साल के लिए जाते हैं यहाँ पर अलिया सालसा तक तालीम हासिल करते हैं यहाँ पर तालीम हासिल करने के बाद वो लोग नदरतम का लखनऊ का रखते सफ़र बांधते हैं वहाँ पर वो एक साल, साल रबिया की में पढ़ते हैं फिर उसके बाद उनको इख्तियार दिया जाता है कि वो चाहें तो अपनी तालीम का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म कर दें या फिर आगे तक मेरी दर्जात तखस के दर्जात पढ़ें इस मदरसे का नाम शुरू से सेल्लू यहाँ इस मदरसे का नाम जयालूम है और ये मदरसा हजरत मौलाना सैद अबूल हसन अली नदवी रहमत के नाना ज़ियानबी के नाम से मौसू है अच्छा माशा कितने बच्चे हैं यहाँ पे? यहाँ पर तकरीबन तीन चार सौ के आसपास बच्चे हैं अच्छा माशा चलिए हम मदरसा दिखा देते हैं फिर इनशाला बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्या नाम है मौना अबू बकरी यहाँ पढ़ाते हैं आप जी हाँ जी है। अच्छा क्या पढ़ाते हैं आप हम यहाँ पे पर अली वो अरबी दरिया पढ़ाते हैं अच्छा कितने उस्ताद हैं यहाँ पर यहाँ पे की तादाद इसीबा चालीस पचास अच्छा माशाल्लाह इंग्लिश वगैरह सब पढ़ाई होती है यहाँ पर भी हाँ। नदवे की तरफ पे पूरा यहाँ है चलिए ठीक है जजाकला तो, अच्छा, अच्छा, तो हमारे साथ काफी तलबा चल रहे हैं साथ में जब भी सामने हमको इस मदरसे के देख रेख करने वाले दिखाई दिए तो हमने सोचा उनसे भी हम सलाम कर लें। सलाम लेकुम सलाम करने के बाद हम लोग आगे चल दिए और आपको काफी ज्यादा सन्नाटा दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको इक्का दुक्का तलबा दिख रहा होंगे हमारे पीछे क्योंकि यहाँ पर कल ही छुट्टी हुई इस वजह से बिल्कुल सन्नाटा हो गया है वरना यहाँ पर तलबा का एक बड़ा हुजूम होता है और पैर रखने तक की जगह नहीं होती है ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये वही बिल्डिंग है जहाँ इस मदरसे की पढ़ाई होती है और आप इस बिल्डिंग की बनावट पर भी नजर डालिए कितनी खूबसूरत लग रही है तलबा की छुट्टी होने की वजह से यहाँ पर कितना खालीपन महसूस हो रहा था लेकिन सोचिए जब तलबा होते होंगे तो यहाँ कितना खुशनुमा माहौल होता

से सब क्लासेज लगती है और यहाँ पर कई क्लासेस होती है क्लासेस यहाँ की बंद थी इस हमने आपको अंदर नहीं दिखाया लेकिन माशाला बहुत ख्याल रखा जाता है की नदवे की सारी शाखों पर ख्याल रखा जाता है सफाई का और ये चीज बहुत पसंद आई मुझे आप लोगों की डिमांड पर हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हमको आ रहे थे तो फाइनली हमने आप लोगों की डिमांड पर इस मदरसे में विजिट कर लिया और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मदरसा पाया और हमने इस मदरसे की खूबसूरती के बारे में जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा ये मदरसा खूबसूरत है और सामने आपको एक खूबसूरत सी जगह दिखाई दे रही होगी और जो हमारे साथ में होता है, तो बच्चे यहां पर टाइम करते है। आप देख सकते हैं कि फूल कितने खूबसूरत लगे हुए हैं और सब खिले हुए फूल है ताजे फूल है और देखिए यहाँ पर आपको कई तरह के फूल और कई तरह के पेड़ भी दिखाई दे रहे होंगे आइए अब आपको सामने लिए चलते हाल देख रहे हैं ये मौलाना के नाम से हाल है और इस हाल में मुकाबले वगैरह होते हैं यानी तकरीर का मुकाबला या कोई भी मुकाबला होता है तो वो इसी हाल में होता है और यहाँ के तलबा ने बताया कि यह हाल बहुत खूबसूरत बना है अंदर से क्योंकि इस वजह से हमने आपको अंदर का नहीं दिखाया कभी दोबारा इंशाल्लाह हम आएंगे तो अंदर का जरूर दिखाएंगे जो साइड से आपको गली दिखाई दे रही है ये भी हाल के अंदर जाने का एक रास्ता है इस हाल के दो रास्ते हैं एक उधर से एक इधर से आइए चलते हैं आप इस बिल्डिंग के अपोजिट साइड आप देख सकते हैं सामने आपको जीना दिखाई दे रहा होगा जैसे उधर से जीना था वैसे ही एक इधर से भी जीना है जैसे आपने धर की क्लासेस देखी थी वैसे सेम पैटर्न पे इधर भी क्लासेस बनाई गई हैं इस मदरसे के बारे में कहा जाता है अगर नदवे के बाद कोई बड़ी शाख है तो जियाम की शाख है इस मदरसे की एक खास बात बताऊ यहाँ पर इंग्लिश पर भी काफी मेहनत होती है यहाँ के तलबा ने मुझे बताया की जैसे मदरसे के लोग अरबी बोलते हैं वैसे यहाँ के बच्चे इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलते हैं और आप सामने नोटिस बोर्ड देख रहे हैं जैसे स्कूल में आप नोटिस बोर्ड देखते हैं वैसे यहाँ पर भी नोटिस बोर्ड लगा होता है कोई बच्चों को इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो फौरन नोटिस लगा दी जाती है और बच्चे यहाँ आकर नोटिस बोर्ड देख लेते हैं आइए चलते हैं आपको सेकंड फ्लोर पर ले चलते हैं और ये सेकंड फ्लोर भी उसी तरह जैसे फर्स्ट फ्लोर आपने देखा था तो हम लोग सेकंड पोर्शन में जब चल रहे थे तो यहां के तलबा ने बताया हमको कि जो आपने नीचे वाला फ्लोर देखा वहां पर छोटे बच्चों की क्लासेस लगती है लेकिन जो आप सेकंड पोर्शन में देख रहे हैं हैं पर सिर्फ बड़े बच्चे पढ़ते क्योंकि सब बड़ी क्लासेस होती है यहाँ पर और आप देख रहे हैं क्लासेस के बगल में वजू वगैरह भी है जैसे नीचे बाथरूम वगैरह वजू वगैरह है वैसे ही ऊपर भी है और बच्चों के लिए यहाँ पर फैसिलिटीज की कोई कमी नहीं है बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी जाती है इस मदरसे में माशाला से आइए आप आपको अंदर से दिखाते हैं देखिए कितना बड़ा हॉल है अंदर से जो भी बच्चे इस मदरसे का ब्लॉग देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं इस हॉल में एक साथ कितने बच्चे पढ़ते हैं खैर हमने आपको पूरी बिल्डिंग दिखा दी है और इसी तरह चौतरफा यहाँ पर क्लासेस लगती है तो हमने सोचा की आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल करें क्यूँ ना आपको ये बिल्डिंग ऊपर से दिखाए आप देखिए ये बिल्डिंग ऊपर से कितनी खूबसूरत लग रही है माशाला से फर्स्ट टाइम मैंने किसी बिल्डिंग को ऊपर से दिखाया है तो काफी अच्छी फीलिंग आ रही थी और आपको साइड में एक मैदान बड़ा सा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर तलबा मैच वगैरह खेलते हैं अब आपको दिखाते हैं इस मदरसे का सोलर पैनल ये कोई बिजली वाला सोलर पैनल नहीं है बल्कि सोलर पैनल से पानी मिलता है, ताकि अगर बिजली चली जाए तो पानी की कोई कमी ना हो और आपको बता दे कि पानी फिल्टर हो गया आता है जो बच्चे वगैरह पीते हैं यहाँ के तो अब आप समझ गए होंगे कि की कितनी अच्छी फैसिलिटीज है और बच्चों का कितना ख्याल रखा जाता है अल्लाह इस मदरसे को नदरबस से बचाए तो आप लोगों ने देखा माशाल्लाह से कितना बड़ा मदरसा है यहाँ पर पढ़ाई होती है अब हम उस बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं जहाँ बच्चे रहते हैं और आपको एक बात और बताते चले साथ ही साथ यहाँ के भी नाजिम हजरत मौलाना बिलाल हसनी दावत बरकातू है हम आपको एक और इन्फॉर्मेशन देते वो यहाँ सिर्फ दो दिन रहते हैं बाकी दिनों में वो दार्लूम नदव लखनऊ में टाइम देते हैं आप लोगों से मैं एक दरख्वास्त भी करना चाहता हूँ जिन जिन लोगों ने इस मदरसे में पढ़ा है वो अपना नाम कमेंट में जरूर मैंशन करे बात करते करते मैं उस हॉस्टल के करीब पहुँच गया जहाँ पर बच्चे रहते हैं जो हमारे साथ इस मदरसे के बच्चे चल रहे तो उन्होंने बताया कि इस हॉस्टल का नाम तमुल बिना है और आप वीडियो में देख भी सकते हैं इस हॉस्टल की नेम प्लेट भी आप इसका गेट देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत गेट बनाया है और आइए चलते हैं अब अंदर से आपको इस हॉस्टल के नजारे दिखाते हैं आप देखिए अंदर से भी नजारा कितना खूबसूरत था इस हॉस्टल का और आप देख रहे हैं की ये बिल्डिंग तीन फ्लोर में बनी हुई है यानी इस हॉस्टल के तीन फ्लोर है और सामने आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा एक पेड़ भी लगा हुआ है और वाकई यहाँ पे एक अलग ही रौनक दिख रही थी हमको आपको हम सेकेंड फ्लोर भी दिखाते लेकिन सेकंड फ्लोर बच्चों के न होने की वजह से बंद था सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर चलने के बाद हम काफी थक चुके थे लेकिन हमने सोचा कि आपको हम थर्ड फ्लोर भी दिखाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी काम चालू है और आप देख रहे होंगे की नीचे की फ्लोर की तरह यहाँ भी कमरे बने हुए हैं और अभी यहाँ पर काफी ज्यादा काम बाकी है आप देख रहे होंगे की कमरों में अभी तक खिड़की भी नहीं लगी है और यहाँ तक की कुछ कमरों में दरवाजे भी नहीं है आपको हम एक बात और बताते चले जो आप तखत देख रहे हैं इसी तखत पे बच्चे सोते हैं यहाँ के बच्चों ने हमें बताया कि ये फ्लोर भी इंशाल्लाह ईद बाद तक तैयार हो जाएगा तो फाइनली हम इस बिल्डिंग से बाहर आ गए हैं और वाकई ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत बनी है और हमने आपको वो बिल्डिंग भी दिखाई जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं वहाँ की क्लासेस वगैरह आपने देखी कितने बड़े बड़े हॉल होते हैं मैंने यहाँ पर एक और चीज महसूस की कि बच्चों के न रहने पर भी क्लासेस नीट एंड क्लीन थे यानी साफ सुथरे थे वाकई दिल खुश हो गया वरना लोग मदरसे के बारे में बोलते हैं कि साफ सुथरे मदरसे नहीं होते तो आप लोगों ने आज देख लिया होगा कि ये मदरसा कितना नीट एंड क्लीन है और जो बच्चे ये ब्लॉग देख रहे हैं मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो यहाँ आकर तालीम हासिल करें और ये मैं बात सुनी सुनाई पर नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर बच्चे बल्कि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पर कह रहा यहाँ की जैसी तालीम आपको नहीं मिलेगी कहीं यहाँ की जैसी फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेगी कहीं इस मदरसे में एक खास चीज मुझे और अच्छी लगी यहाँ पर दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी है अब आपको इस मस्जिद के बारे में दिखाते हैं इन मस्जिद आप देख रहे होंगे सामने ये मदरसे जया की मस्जिद है आप देख सकते हैं कि मस्जिद का फ्रंट भी माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है और आप देखिए यहाँ पर चैनल लगा हुआ है कोई गेट नहीं लगा हुआ है और इस मस्जिद का रास्ता इधर से बंद था तो हम दूसरी तरफ के रास्ते से गए अंदर अब हम इस मस्जिद के अंदर आ चुके हैं आप देखिए मस्जिद भी माशाल्लाह से कितनी चमक रही है और आप देख सकते हैं सामने वजु खाना है बाएं तरफ और दाएं तरफ इस मस्जिद का एक और गेट है आइए अब आपको अंदर ले चलते हैं और अंदर के पोर्शन दिखाते हैं इस मस्जिद का कैसा है आप इस मस्जिद का अंदर का भी हिस्सा देख सकते हैं कितना बड़ा हिस्सा बनाया है और कितनी बड़ी मस्जिद दिखाई दे रही है और आप देखिए यहाँ पर चटाई वगैरह भी बिछी हुई है और अंदर कालीन बिछी है और आपको हम एक बात और बताते चले यहाँ पर हिफ्स के बच्चे भी पढ़ाई करते हैं यानी करते हैं और कुछ अरबी दर्जात के बच्चे मगरबाद यहाँ पर पढ़ते हैं आप देखिए इस मस्जिद का मेम्बर जहाँ पर खुदा दिया जाता है, है तो हमने आपको इस मदरसे की मस्जिद भी दिखाती है और माशाला से मस्जिद बहुत खूबसूरत थी और जब मैं ब्लॉग शूट कर रहा था तो यहाँ पर कुदरती सुकून मिल रहा था और सुकून मिलता भी क्यों ना क्यूँकी अल्लाह वालों की बस्ती है और मदारस और मसाजिद में वैसे ही सुकून होता है अब आपको हमें एक और हॉस्टल दिखाने जा रहा है जो मस्जिद से लगा हुआ हॉस्टल है यानी मस्जिद के सामने वाला हॉस्टल ये कहलाता है आप देखिए जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं ये बच्चे इसी हॉस्टल में रहते हैं और ये हॉस्टल भी काफी बड़ा बनाया गया है जैसे आपने उधर हॉस्टल देखा था वैसे यहाँ पर भी बना हुआ है दो फ्लोर में हॉस्टल आपको दिखाई दे रहा है लेकिन उस हॉस्टल से इस हॉस्टल में ये फर्क है कि वहाँ पर कमरे कम थे इस हॉस्टल में बहुत ज्यादा कमरे हैं क्योंकि इस मदरसे के ज्यादातर तलबा इसी हॉस्टल में रहते हैं आप देखिए कितनी दूर तक इस हॉस्टल की लंबाई है बहरहाल ये हॉस्टल भी मुझे काफी अच्छा लगा मदरसा जरूर में बाउंड्री वगैरह भी हो गई आप देखिए पहले ये सब बाउंड्री वगैरह नहीं थी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बाउंड्री करवा दी गई है और जानते हैं कि आखिर बाउंड्री क्यों करवाई गई है बाहरी आदमी अंदर आ ना पाए और मतलब जो आदमी बती के रात में सब मतलब रात में माता बंद भी हो रहा है उसकी वजह से गेट भी यहाँ भी, तो भी लग जाएगा गेट उधर भी लग जाएगा लोग अच्छा 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 छह लगाई गई है फिर यहाँ के बच्चों ने हमको एक और बिल्डिंग के बारे में बताया हमने सोचा आपको वो भी बिल्डिंग दिखा दे वो बिल्डिंग इस मदरसे के मरकज के नाम से जानी जाती है और आपको हम जो मरकज दिखाने जा रहे हैं शायद ही आपने वीडियोस वगैरह में या व्लॉग वगैरह में देखा होगा वो इस मदरसे का मरकज ही नहीं बल्कि वहाँ पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है जहाँ पर हजारों लाखों किताबें भी रखी हुई है अगर आप कभी यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर जरूर विजिट करिएगा और यहाँ की लाइब्रेरी जरूर देखिएगा मरकज से पहले हमको एक और बिल्डिंग दिखी जिसका नाम था दार आरफात आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग भी वाकई बहुत खूबसूरत तो और पुर रौनक लग रही थी और आप देख रहे होंगे की अगल बगल काफी ज्यादा पेड़ लगे हुए थे और आम का पेड़ भी आपने देखा कि बिल्कुल फल फूल रहा था माशाला से अब आप जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं इसी बिल्डिंग को मरकज कहा जाता है इस मदरसे का आइए आपको मरकज अंदर से हम दिखाते हैं आप देखिए इसका एंट्रेंस कितना खूबसूरत बनाया है माशाल्लाह से और आपको सामने से सूरज की रोशनी भी दिखाई दे रही होगी जो पेड़ों से गुजरते हुए हमारी तरफ आ रही थी अगर मुझसे पूछा जाए कि सबसे खूबसूरत बिल्डिंग कौन सी थी तो मैं वाकई इस बिल्डिंग का नाम लूंगा जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं चलते हैं अंदर इनशाला आपको दिखाते हैं अंदर का देखिए माशा से खुला हुआ है चप्पल पहन जा सकते हैं हम इस मदरसे के लाइब्रेरी के अंदर आ चुके हैं आप देखिए कितनी बड़ी लाइब्रेरी बनाई गई है यहाँ पर आइए अब आपको वो जगह दिखाते हैं जहां पर हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी अहमदुल्ला आल के अवार्ड रखे हुए हैं वो कितनी बड़ी शख्सियत थे जब आप अवार्ड देखेंगे तो आप उससे अंदाजा लगा लेंगे आपको उनके बारे में बताऊँ की उनके नाम से शारजा में एक गली भी है जहाँ के बच्चों ने अलमारी वगैरह खोल हमको अवार्ड दिखाया हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी अहमदुल्ला के अवार्ड है और जो साइड में आप एक अवार्ड देख रहे हैं ये भी हजरत मौलाना के अवार्ड है आप करीब से भी उनके अवार्ड देख सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे अवार्ड उनके नाम से है यहाँ पर अब आप जो अवार्ड देख रहे हैं मौलाना राब हसनी नदवी अहमदुल्ला के हैं ये अवार्ड जो आप देख रहे हैं ये भी हदत मौलाना राम हसनी नदवी के हैं इसमें देखिए लिखा हुआ है मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड भी ये जो अवार्ड आप देख रहे हैं इकबाल ने हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी नदवील को दिया था नीचे आप देख सकते हैं की अलामा इकबाल की साइन भी है अब आप जो अवार्ड देख रहे हैं मौलाना को रमजान में अवार्ड दिया गया था और मौलाना बहुत ज्यादा बीमार थे लेकिन फिर भी वो दो दिन के लिए गए थे और ये अवार्ड उनको मिला था और आप देख सकते हैं आपको सामने मेडल वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं और इसी तरह न जाने को कितने बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कौन कौन से अवार्ड पहले देखे थे और यहाँ के तालेबेल में तो हमेशा देखते होंगे लेकिन बाहर के लोग नहीं देख पाते तो हमने सोचा मौलाना के अवार्ड आप लोगों को जरूर दिखाए और आप देखिए कितने सारे सर्टिफिकेट भी रखे हुए हैं यहाँ पर और ये एस की तरफ से मौलाना को अवार्ड मिला था आप देख सकते हैं और ये भी एक अवार्ड है आप देखिए ये भी एक अवार्ड है मैं अल्लाह तला का शुक्र अदा करता हूँ की हजरत मौलाना की मुझे अवार्ड देखने को मिले ये जो कमरा आप देख रहे हैं ये हजरत मौलाना बिलाल हसनी नदवी दावत बरकातू का ऑफिस है आप लोगों ने पूरा मदरसा देखा माशाल्लाह से कितना खूबसूरत मदरसा बनाया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये मदरसा जरूर पसंद आएगा इन कुछ पूछना हो इस मदरसे के बारे में तो कमेंट करके जरूर पूछेगा और इनशाला इसी तरह हम विजिट करते रहेंगे और मदारस में और नई नई जगह आप लोगों को दिखाते रहेंगे इनशाला अब्दुल अली भाई इन्होंने हमारा पूरा साथ दिया मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई अल्लाह तला आपको खैर दें अब आप लोग से इन मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्ला में अल्लाह हाफिज़